गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है डॉक्टर सुशीला कटारिया। मैं हूं आपकी आज की हेल्थ होस्ट। वर्ल्ड हार्ट डे जो कि 29 सितंबर है को है, उसके उपलक्ष में मेदांता दी मेडिसिटी पूरे सप्ताह आपके लिए लेके आ रहे हैं जानकारी देश के बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट के साथ। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आर आर कासलीवाल। डॉक्टर कासलीवाल, आप हैं चेयरमैन क्लिनिकल और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी मेदांता दे मेडिसिटी की। आपके बेहतरीन करियर में आपको 150 प्रेस्टीजियस अवार्ड मिले हैं। इंटरनेशनल और नेशनल बुक्स और जर्नल में 200 से ज्यादा आपके लेक्चर्स रहे हैं, आर्टिकल्स रहे हैं। आप टीचर हैं, रिसर्चर हैं, क्लिनिशियन हैं। आपने कम से कम 150 कार्डियोलॉजिस्ट को ट्रेन किया है अपने अंडर, जो अब बेहतरीन सुविधाएं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं देश के लिए। आपका मिशन रहा है कि बीमारी से पहले वेलनेस की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, बीमारी से पहले प्रिवेंशन की जाए। वन स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का आपका मोटो हमेशा से रहा है। आप क्लिनिशियन हैं पार एक्सीलेंस। वेलकम सर। थैंक यू। नमस्कार। सो ये कहा जाता है सर कि हार्ट डिजीज के मेनांस में अर्ली डिटेक्शन इज द की, जिस पे आज हम बात करेंगे जी। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो आप तो कहते हैं अर्ली डिटेक्शन ही क्यों, प्रिवेंशन इज द की, राइट सर? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और मैं सबको बताऊँ, मेरा नाम रवि कासलीवाल है और मैं सुशीला जी के साथ ही कार्यरत हूँ मेदांता दी मेडिसिटी में। मैं कार्डियोलॉजी में हूँ और आज मुझे भी बहुत बड़ा ऑनर है कि हमारी डोयन है इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर कटारिया और चैंपियन है कोविड केयर की, और ये मॉडरेट कर रही है सेशन को, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कटारिया। आगे चलें। जी सर। सो आप पहले जब हम वेलनेस की बात करें और हार्ट वेलनेस की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से सिंपल स्टेप्स उठा के आप जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं? जी सुशील जी, मैं एक कदम पीछे हटूंगा इस समय। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आज वर्ल्ड हार्ट डे पे इतना बड़ा मुद्दा क्यों उठाया गया है बड़े सालों से प्रिवेंशन के बारे में, क्योंकि अगर आप एज स्टैंडर्डाइज्ड सीवीडी डेथ रेट देखें तो 272 पर 100,000 पॉपुलेशन इंडिया की है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 235 पर 100,000। तो देखिए कितनी ज्यादा, ये डिफाइन करता है कि मेनस क्या है। और कुछ ही दिनों पहले वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि भाई 74% जो लोग हैं उनकी डेथ राउंड द ग्लोब हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज से हो रही है। संदर्भ में अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंशन का कितना बड़ा महत्व होता है ये सर्वविदित, और साउथ एशियंस में ये हार्ट रेट सबसे ज्यादा है। अब चालू करें। तो मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं जिससे फिर अपन प्रिवेंशन पे आते हैं कि हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स क्या है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये वो डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। हार्ट की कई बीमारियां होती हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं आज स्पेसिफिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो धमनियां जो हमारे हृदय को कॉन्स्टेंटली बीट बाय बीट ब्लड सप्लाई और प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं सो दैट अपना दिल धड़कता रहे। तो सबसे पहले चार रिस्क फैक्टर्स डिफाइन किए थे वर्ल्ड वॉर टू के पहले, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और निकोटीन स्मोकिंग इन एनी फॉर्म। उसके बाद जुड़े दो और चीजें, एज और फैमिली हिस्ट्री, और अब 21वीं शताब्दी में जुड़े हैं तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, साइकोसोशल स्ट्रेस, ओबिसिटी और इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी। इन नौ रिस्क फैक्टर्स के सामने रखते हुए फिर हम एक खाका बना सकते हैं कि भाई हम कैसे अर्ली डिटेक्ट करें और फिर ऑब्वियसली प्रिडिक्ट करें और कैसे इसको हम प्रिवेंट कर पाए। क्योंकि अगर 272 पर 100,000 पॉपुलेशन हार्ट डिजीज, और इसमें मैन वेमेन दोनों हैं, ये कोई मैन डिजीज नहीं है,
और सबसे बड़ी आयरनी इंडिया के लिए ये है कि ये डिजीज 60 और 70 की भी नहीं है, 35, 40, 50 के लोगों को भी, 25% जो लोग होते हैं हृदयाघात, तो उनकी उम्र जो है 40 से कम होती, तो मतलब बड़े बड़ा मेनेस है इस डिजीज का। जी जी सुशील, सर, आपने बहुत ही सरलता से हमारे व्यूअर्स को समझाया कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, और साथ में ये भी बताया कि टाइम के साथ साथ रिस्क फैक्टर बदलते गए हैं। जो पहले के समय में सिर्फ चार रिस्क फैक्टर्स थे, जिसमें बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और डायबिटीज, जो कि कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं, आज के दिन मेरे ख्याल से स्ट्रेस, ओबेसिटी और इनएक्टिविटी, और शायद स्ट्रेस की वजह से ही लैक ऑफ स्लीप भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर उभर के आ रहा है सर। और आपने इस पे काफी रिसर्च भी की है, तो इस पे भी बताएं कि सोना भी क्यों जरूरी है हार्ट के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक सवाल है कि जो हम पहले कहते लाइफ सिंपल सेवन कहते थे ना, से नो टू एक्स्ट्रा एक्सेस शुगर, नो एक्स, उसके अंदर आठवीं चीज जो अब जुड़ी है वो है सफिशिएंट स्लीप। क्योंकि स्लीप डिप्राइव्ड अगर आप हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो इसका एक रूप है जिसको तो अपन ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर स्लीप डिप्राइव्ड आप हैं तो डेफिनेटली एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि धमनियों में, और नॉट नेसेसरी हार्ट में, सारे शरीर की धमनियों में जो थिकनिंग या डिपोजिशंस, प्लाक्स बनने चालू होते हैं, उसको भी ये एक्सेलरेट करता है। ये एक ट्रिगर फैक्टर है स्लीप एपनिया भी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है चालू करने में, क्योंकि कई स्पाउसेस आके ये कहती हैं कि जी हम तो सो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि, और स्पाउस ये कहते हैं कि जी जिस दिन मैं थक जाता हूँ उस दिन ही मैं घर आटे लेता हूँ। तो दोनों ही चीजें इनकरेक्ट हैं, क्योंकि थकान से इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिस दिन आप थकेंगे तो उस दिन तो और भी अच्छी नींद लेंगे आप। तो स्लीप डिसऑर्डर्ड, स्लीप फ्रेगमेंटेड, स्लीप स्लीप एपनिया अब आठवें फैक्टर है जो कि लाइफ सिंपल सेवन में आते थे, अब सिंपल एट है। जी सर, अक्सर पेशेंट कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक थे, और अचानक से उनको ऐसे चेस्ट पेन हुआ या अचानक से हार्ट अटैक हुआ और कुछ हो गया, कईयों की जान भी नहीं बची। ऐसे बहुत जी सारी वेल नोन सेलिब्रिटीज भी जी रिसेंटली रहे जिनके जी साथ सडनली ऐसा इवेंट हुआ। तो क्या जी कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक सडन इवेंट है? जी यस और नो। सबसे पहली बात यह कि अगर मैंने कभी डिटेक्ट ही नहीं किया है, 60-70%, 60% आर्टरी के धमनी में अगर ब्लॉकेज होगा तो मैं अपना काम चला लूंगा, मुझे पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं 70-80% पे आता हूं तब मुझे लगता है कि कुछ भारीपन है, वो मैं इग्नोर ही कर दिया हूं। मैं तो ट्रेडमिल पे चढ़ गया बिना ट्रेनिंग के, बिना हाइड्रेशन के, बिना ऑक्सीजन के, मैं ट्रेडमिल पे चढ़ गया, नेचुरली वो प्लाक रप्चर हो गया। तो कहने को तो ये सडन इवेंट हुआ, लेकिन ये डिजीज मैं संजोए रखा था जब से मैं जवान आदमी था। मैं हाई फैट खाना खाता था, मैं नहीं कह रहा ईस्ट और वेस्ट की डाइट, लेकिन मैंने सैचुरेटेड फैट्स भी लिए, मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मेरे वेस्ट हिप रेशियो, मेरा वेस्ट बढ़ता जा रहा है। तब मैंने बॉदर नहीं किया, मेरी डायबिटोलॉजिस्ट कहती रही कि सर आपका 7.9 है, इसको आप 6.7 तो करो। इसलिए ये सडन इवेंट लगता है कि जी मुझे, मैं तो ट्रेनर के पास गया था, ट्रेनर ने कहा कि जी ट्रेडमिल इज द बेस्ट एक्सरसाइज, और मैंने बिना उसको देखे हुए कि मैं कितना एक्चुअली कर सकता हूँ, धीरे धीरे स्लोली मैं बिल्टअप करूँ, उसी दिन मेरे को मेरा प्लाक रप्चर हो गया। ठीक है सुशील जी, आप रिमेम्बर करोगे कि पुरानी अपनी फिल्मों में आता था कि जी उन्होंने तो फोन पे एक बात सुनी और एकदम से बैठ गए। तो ये वही बात है, ये शौक है, हार्ट के लिए शौक है। तो वो डिजीज थी और फिर वो सडनली मैनिफेस्ट हुई, क्योंकि प्लाक एक स्टेबल प्लाक होता है, एक वनरेबल प्लाक होता है। जब वो प्लाक आपने वनरेबल कर दिया, सप्लाई डिमांड मिसमैच करके, तो मेरा प्लाक रप्चर हो गया। और एक बड़ी फेमस पैथोलॉजिस्ट है, वो भी इंडियन है, अमेरिका में, उनका ये कहना था कि हर समय हार्ट अटैक 100% ब्लॉकेज से ही नहीं होता है, प्लाक रप्चर, 70% भी प्लाक रप्चर हो गया शॉक से, साइकोसोशल स्ट्रेस से, एक्सेस स्मोकिंग से, एक्सेस अनयूज टू फिजिकल एक्सरसाइज से, जस्ट टू गिव 2-3 एग्जाम्पल। तो यही मेरा हश्र हुआ कि मैं बिना किसी, बिना नपे तुले, बिना पहले कभी एक्सरसाइज के, ग्रेड 4 पे ट्रेडमिल पे चढ़ गया। तो यही हो जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सरलता से समझाया कि ये एक
कंटिन्यूअस प्रोसेस है, शायद इसके बीज हमारे बचपन और जवानी में ही बोए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जम रहा है और एक सडन इवेंट होता है तो उस टाइम वो पूरी ब्लॉक हो जाती है और हार्ट अटैक हो सकता है। तो जी ये एक क्रॉनिक और स्लो प्रोसेस है, तो कैसे हम इनको इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या हम इसको होने से पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या हम उन लोगों का पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को होने के चांसेस इतने ज्यादा है और इसको होने के चांसेस कम है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सवाल, यही 21वीं शताब्दी की जो रिसर्च है उसका यही कहना है कि आप दिखा सकते हैं कैरोटिड आर्टरी में भी, मतलब ब्रेन की आर्टरी में भी, हार्ट की आर्टरी में भी और पेरिफेरल आर्टरी में भी, सिंपल टेस्ट हैं कैरोटिड इंटीमा मीडियल थिकनेस हो या कैल्शियम स्कोरिंग हो या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हो, लेकिन उससे एक अगेन कुछ स्टेप्स आपको पीछे लेके ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या मैं ओबीस हूँ, क्या मेरी बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा हुआ है, क्या मैं प्री डायबिटीज हूँ। देखिए हर डायबिटिक के पीछे कई प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और ये कई स्टडीज ने प्रूव किया है कि प्री डायबिटीज इज ऑलमोस्ट एज डेंजरस वैस्कुलर डिजीज के लिए एज डायबिटीज, लेकिन हम उसको ध्यान ही नहीं देते। तो मैं अर्ली डिटेक्ट तो कर लूंगा इमेजिंग से, लेकिन अपने रिस्क फैक्टर्स को तो संभालूं पहले कि भाई इन 9 रिस्क फैक्टर्स में या 10 रिस्क फैक्टर्स में कितने हैं मेरे। और अब एक चीज और भी आ गई है कि मैं जेनेटिक स्टडीज भी करवा के प्रीएम्प्ट कर सकता हूँ, उसके बाद में इमेजिंग टेस्ट पे जाऊं और उसके बाद में डिफाइन, मेरे डॉक्टर डिफाइन कर देंगे कि भाई तुम्हारे को इतना रिस्क है और आप अब वेलनेस की तरफ बढ़िए। और कई बार हो सकता है आपके डॉक्टर कहेंगे भाई आपको दवाइयों की भी जरूरत है, वो बात एक दूसरी होती है, लेकिन अर्ली डिटेक्ट आज की तारीख में आप कर सकते हैं। जी और सर, हम एक केस सिनेरियो लेते हैं। हमारे मेरे एक पेशेंट है रोहित जी। रोहित जी एक फॉर्म में सीनियर लेवल के मैनेजर हैं, 39 इयर्स ऑफ एज। तो इनकी जो प्रॉब्लम ये है कि ये स्मोकर करते हैं, इनका बॉडी मास इंडेक्स 32 के आसपास है, इनके फादर साहब को 54 इयर्स की एज में एंजियोप्लास्टी हुई थी, HbA1c इनका 6.2 है, LDL कोलेस्ट्रॉल 138 के आसपास है। तो ये पेशेंट अगर आज के दिन वो कहते हैं मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल मस्त रहता हूँ, मेरा कोई दिक्कत ही नहीं है डॉक्टर, तो इसमें अगर आप एक थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव व्यू हमें दे सकें कि भाई इस पेशेंट को अगले 10 साल में मायोकार्डियल इंफार्क्शन या डिजीज प्रोग्रेस करने के कितने चांसेस होंगे और हम क्या करें कि वो चांस बेटर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो 10 साल की बात कर रहे हो। अगर वो स्मोकर हैं, फैमिली हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल 138 के करीब आ रहा है, तो इनको तो 10 साल से काफी पहले भी हृदयाघात हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो जीन्स खराब है और एक देखिए लोग कहते हैं जीन्स के बारे में कि जीन्स ओनली लोड्स द गन्स, द एनवायरमेंट पुल्स द ट्रिगर। तो आप तो एनवायरमेंट में भी पुल करवा रहे हो ना, आप प्री डायबिटिक है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है और आप स्मोक कर रहे हैं। देखिए एक पफ सिगरेट का 200 से 300 केमिकल्स इमीडिएटली आपके शरीर में और धमनियों में देता है, चलिए छोड़िए कितने देता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन करते। एंडोथेलियल क्या है? एक बड़ी फाइन लाइनिंग है जो हमारे कॉर्नियल आर्टरी, सारी आर्टरीज में बट कॉर्नियल आर्टरीज को लाइन अप करता है और उसमें बिल्कुल अलाउ करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को अंदर घुसने में और प्लाक फॉर्मेशन में। इतना घातक है निकोटीन इन एनी फॉर्म, स्मोकिंग तो है ही है। तो आप 10 साल की बात सोच, इनको तो छोड़ देनी चाहिए, इनको तो इमीडिएटली बिल्कुल स्मोकिंग बंद करके कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कम से कम एक अपना ट्रेडमिल टेस्ट, लेकिन उसके पहले वो कैल्शियम स्कोरिंग और जस्ट एक कैरोटिड आर्टरी की स्कैनिंग तो करके देख लें कि भाई प्लाक तो नहीं हुआ, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि डिटेक्शन के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस को डिटेक्ट कर लेंगे तो फिर वैसी बाजी आपने जीत ली। राइट, तो आपके साथ तो मतलब ये बात है कि अगर आपकी एज कम भी है लेकिन अगर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं तो हृदय की बीमारी जल्दी भी हो रही है इंडियन सिनेरियो में और ज्यादा सीवियर भी हो रही है। जी, तो अगर हमारे लिसनर्स को थोड़ा बताएं कि सर ऐसे पेशेंट्स को किस किस तरीके से आप स्क्रीन करना चाहेंगे, क्या मोडालिटीज हैं, जैसे आपने थोड़ा बताया कैरोटिड आर्टरी के बारे में भी, कैल्शियम स्कोर के बारे में भी, जी, तो जी, क्या क्या विभिन्न पद्धति हमारे लिए अवेलेबल हैं जो हम कर सकते जी, हैं और किस इंडिकेशन के लिए करें? जी
जो इंडिकेट जो आपने पेशेंट प्रोफाइल पेश की है, ऐसे पेशेंट प्रोफाइल कोई अनकॉमन नहीं है अपने देश में, क्योंकि स्मोकिंग काफी है, फैमिली हिस्ट्री काफी है, आपने बताया कि ओबिसिटी भी है इनको, स्ट्रेस है हर प्रकार का, अपन ने अगर पूछते तो क्या मालूम डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग भी होता है, तो ऐसे केसेस को तो हम मानते हैं वेरी हाई रिस्क, ये वेरी हाई रिस्क में जाते हैं। जब वेरी हाई रिस्क का पेशेंट है तो उनको इमेजिंग और ये सारी इमेजिंग टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई ये नॉन ऑब्ट्रूसिव है, इसके अंदर कोई कोई तार नहीं जाएगा जिसे हम कहते हैं तार जांच कर दीजिए अब, नो, ये नॉन ऑब्ट्रूसिव है। और कोरोनरी एंजियोग्राफी सीटी कोरोनरी में इतना है चलो भाई थोड़ी सी कंट्रास्ट मीडियम दिया जाएगा, दैट्स अबाउट ऑल, कोरोनरी कैल्शियम में तो वो भी नहीं है, इमेजिंग हार्ट की और मतलब ब्रेन की और पैरों की एथेरोस्क्लेरोसिस देखने में तो वो भी नहीं है। ये करने के बाद जब हमें सेफ्टी आ गई तो हमें एक स्ट्रेस टेस्ट भी करके देख लेना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि अगला सवाल पेशेंट पूछेंगे कि जी मैं ट्रेडमिल कर लूं क्या घर पे, तो आप उनको बता सकते हैं कि सर 120 हार्ट रेट तक आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई चेंजेस नहीं आते आपको, आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन भी उसमें ठीक रहती है, तो प्लीज आप इस रेट तक कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से हम पूरा फायदा उठाएंगे, ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इंटरप्रिटेशन भी डिफिकल्ट नहीं है, और मेरा मानना यह है कि ये चीजें आप काफी शहरों में छोटे छोटे शहरों में भी अवेलेबल है, तो इंडिया में वो कोई दिक्कत नहीं है कि जी हमें कहीं कहाँ जाएं कैसे टेस्ट करवाएं। बिल्कुल सर, तो इजीली अवेलेबल टेस्ट हैं, टेस्ट के से कोई रिस्क नहीं है, सेफ है और प्रिडिक्टेबिलिटी भी काफी ठीक है। मतलब आप अगर एक टेस्ट दो जगह करवाएंगे तो भी उसमें इंटर वेरिएबिलिटी बहुत कम हो जाती है, प्लेस की और इंडिविजुअल की भी बहुत बेहतर हो जाती है। मैं सारे व्यूअर्स को एक बार फिर कहना चाहूंगी कि आपके सवाल हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। आपके जो जो सवाल हैं आप प्लीज अपने सवाल लिखिए और डॉक्टर कासलीवाल सर आपके सारे सवालों के जवाब देंगे आज यही आपके हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए। आशीष पूछ रहे हैं सर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ फुल रिकवरी अंडर ओके। सो ये थोड़ा सा अनरिलेटेड सवाल है कोरोनरी आर्टरी डिजीज से, फिर भी हम इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि इनको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, वायरल बायोकार्डाइटिस हुई है एट द एज ऑफ 32 ईयर्स। सो जी हमारे टॉपिक से थोड़ा भिन्न है पर आशीष का सवाल बहुत ही इन्होंने बहुत मन से जी पूछा है और जी मुझे जी लगता है ही जी डिजर्व्स एन आंसर टू दिस सर। नहीं बिल्कुल ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एक काफी कॉमन हृदय रोग है और इसके अंदर हार्ट का फंक्शन लो हो जाता है, आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो आपका सांस फूलता है। अगर ये मायोकार्डाइटिस प्रूव हो जाती है कि ये वायरल है तो ये थोड़ी थोड़ी रिकवरी तो होगी इससे, वैसे भी इसके अंदर एकोकार्डियोग्राफी के साथ कार्डियक एमआरआई की अत्यंत वैल्यू है, ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर कर देगा कि आपके फाइब्रोसिस कितनी है और क्या ये कोविड जैसे वायरल डिजीज से तो रिलेटेड नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट अपन अलग कर सकते हैं। अदरवाइज कार्डियोमायोपैथी जिनके अंदर वाइड QRS होता है, LVV भी होता है, उन लोगों को दवाइयों के साथ साथ पेसमेकर से भी काफी फायदा होता है, और कईयों को हम कहते भी हैं क्योंकि ये डिजीज ऐसी है जिसमें सडनली रिदम डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो AICD का भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम उन चीजों पे जाएं उससे पहले हम कहेंगे कि आजकल कुछ नई दवाइयां जो कि ऑलरेडी हो गई हैं, 10 साल हो चुके हैं, दवाइयों का भी बड़ा अच्छा रोल है इसके अंदर, आपको कंफर्टेबल करने करने में नंबर 1, और आपको हार्ट का फंक्शन आपका हार्ट का फंक्शन बढ़ाने में नंबर 2 काफी इनका रोल है। तो इसके अंदर हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, वेरी गुड ट्रीटमेंट, वेरी गुड इवेल्युएशन। अगर फाइब्रोसिस कार्डियक MRI में है तो आपके डॉक्टर आपको कह सकते हैं कि भैया आपको इंटरनल डिफिब्रिलेटर की भी जरूरत है, क्यों, क्योंकि इसमें सडन कार्डियक इवेंट हो सकता है, और फिर अल्टीमेटली अगर किसी चीज से ठीक नहीं होता तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि ये जो अर्नी एक दवाई आई है, सेकुबिट्रोल वेलसार्टन का कॉम्बिनेशन, इसके इस्तेमाल से पेसमेकर्स भी कई बार जो डॉक्टर्स कहते हैं, हम खुद कहते हैं कि नहीं अब जरूरत नहीं है, हार्ट का फंक्शन ठीक हो गया, और कई बार इनको कार्डियक ट्रांसप्लांट की लिस्ट से भी हम उतार लेते हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको बिल्कुल स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, सबसे पहले ओपिनियन,
और फिर ट्रीटमेंट चाहिए जो कि इज अवेलेबल है कई इंस्टीट्यूशंस में, और उसका पूरा फायदा उठाइए क्योंकि इसमें सडन कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। आशीष, मैं उम्मीद करती हूँ कि सर ने आपका बहुत डिटेल में आपके सवाल का जवाब दिया है और आपको सवाल अपना कोर्स ऑफ एक्शन मिल गया होगा। सर, हम पहले कहते थे कि एक क्रोनोलॉजिकल एज है, कि मेरी एज एक्स है, आपकी एज वाई है, लेकिन अब एक एज आती है जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर एज, तो जी उसके बारे में आप व्यूअर्स को बताइए कि क्या एक 80 ईयर्स का या आदमी की ब्लड वेसल्स भी यंग हो सकती हैं, या क्या 26 साल के आदमी की भी ब्लड वेसल्स काफी ओल्ड हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना अच्छा सवाल है, ये इसको कहते हैं वैस्कुलर एजिंग। और ये हमारे पास क्या और जगह भी इंस्ट्रूमेंट है, पल्स वेव वेलोसिटी जिससे मालूम करते हैं। पल्स वेव वेलोसिटी ये बिल्कुल एक ऐसा पैरामीटर है जो कि इज इक्वल टू आर्टेरियल स्टिफनेस। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कोई 80 साल के हैं लोग जिन्होंने लाइफ लॉन्ग इन नॉ रिस्क फैक्टर्स से बचा भी है, और अगर हो गए हैं तो अच्छी तरह इनको ट्रीट भी किया है, तो वो उनकी आर्टरीज, जैसे थॉमस सिडेनहैम ने यानी 1600 कब बोला था कि अ मैन इज एज ओल्ड एज हिज आर्टरीज, ये इतनी पुरानी चीज है। तो 26 साल की उम्र में अगर मैं धूम्रपान कर रहा हूं, मैंने अल्कोहल का सेवन किया है और मैं प्री डायबिटिक भी हूँ, मेरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, तो नेचुरली ये चीजें मेरी धमनियों में तो बैठेंगी ना। धमनियां भले हृदय की हों, इनमें स्ट्रोक भी उतने ही होते हैं, और या पैरों की हों, तो वी आर एज ओल्ड एज आर आर्टरीज। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। कई बार डॉक्टर्स पुराने जमाने में हाथ देख के बता देते थे कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस है कि नहीं है। यही आपने आज बात कही है, और इसकी आज भी वैल्यू है। आज भी आपने जैसे बताया कि पल्स वेव वेलोसिटी पे अपने डिपार्टमेंट में अच्छा वर्क अभी भी हो रहा है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में तो ये बढ़ता ही है, लेकिन स्मोकिंग में, निकोटीन में, डायबिटिक पेशेंट्स में यह बढ़ जाता है और उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो वैस्कुलर एजिंग इज द ट्रू एज। क्रोनोलॉजिकल एज तो अब सबकी बढ़ती जा रही है हर सेकेंड, उसमें क्या कर सकते। बिल्कुल। सो आप की एक एज है वो अलग बात है, लेकिन आप कितने स्वस्थ हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी ब्लड वेसल्स, मतलब आपकी जो ध्वनियां हैं वो कितनी हेल्दी हैं। अगर वो लचीली हैं, सॉफ्ट हैं, रेजिलियंस हैं, उसमें अच्छा ब्लड फ्लो है, तो वो यंग रहती हैं और आपका ख्याल रखती हैं। और अगर वो स्टिफ हो जाती हैं, अगर हम स्टिफ हो जाते हैं तो ध्वनियां भी स्टिफ हो जाती हैं, मतलब अगर हम सेडेंट्री हो जाएंगे, नहीं चलेंगे, तो वो दिक्कत करेगी। अक्सर सर, लोगों का आज के टाइम में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वालों का एक ही रोना है, एक ही परेशानी है उनकी, कि जी टाइम नहीं है हमारे पास तो कुछ करने के लिए। आपसे बिजी मैंने कार्डियोलॉजिस्ट नहीं देखा, तो आप मुझे बताइए कि आप अपने दिल का ख्याल कैसे रखते हैं? चलिए, तो बहुत अच्छा सवाल है। टाइम सबको है सुशीला जी, टाइम सबको है। टाइम मैनेजमेंट की बात है। अब कई लोग जो ऑफिस ही पहुंच रहे हैं 9 या 10 बजे करीब, वो कैसे कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। सिर्फ सुबह 40 मिनट जल्दी उठने की बात है, बस दैट इज ऑल। जी आप जी 40 मिनट एक्सरसाइज करिए, 10 मिनट योग करिए, 10 मिनट मेडिटेट करिए कि आज दिन में क्या इश्यूज हो सकते हैं। मी टाइम है आपके पास, तो इस 1 घंटे के अंदर आप जो 1 घंटा या आधा घंटा एक्स्ट्रा स्लीप करते, उसको आपने इतना अच्छा डिटेक्ट कर लिया कि अब आप बिल्कुल रेडी हो, क्योंकि हर तरह की सिचुएशंस हैं। हाँ, और मैं मानता हूँ जैसे कि कई बार पायलट्स हैं या स्टूअर्डेसेस हैं, नेचुरली उनकी टाइमिंग्स कई बार बड़ी अबनॉर्मल होती है क्योंकि 16 घंटे की फ्लाइट है वन, लेकिन दे गेट यूज टू इट। सो वो हमेशा ये देखते हैं कि भाई मुझे कहाँ इंटरवल मिल रही है जहाँ मैं अपनी एक्सरसाइज कर लूँ, मैं एक्स्ट्रा ना खाऊं। स्मोकिंग का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और कैसे मैं एक्सरसाइज और मेडिटेट करूँ। सो जी, मेरा मानना ये है कि इस चीज में अपनी इंडियन वे ऑफ लाइफ बहुत यूजफुल है। कैसे कि हर जगह अब तो वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। देखिए, वो तो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की थी ना, देखिए तो जी उस तो हाँ। और हम क्या कहते हैं, 150 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इन द होल वीक, वो कुछ भी नहीं है। मैं तो इसको मानता हूँ कम है, मैं तो कहता हूँ कम से कम 30 से 40 मिनट तो आप करो। 10 मिनट ओम का उच्चारण करो, थोड़े लंबे सांस लो, योग करो, और उसके बाद
अपना मी टाइम निकाल के सोचो भाई आज मेरे क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और जो ये लोग कहते हैं कि सर मैं तो मेरी तो डेस्क जॉब है तो मैं क्या करूं, कर सकते हो आप बायो ब्रेक्स लेते हो, आप फूड ब्रेक्स लेते हो, क्यों वहीं ले रहे हो? जाओ ना 100 120 स्टेप्स लो ना वहां पे, और फिर वापस आओगे तो 200 स्टेप्स तो वैसे हो जाएंगे आपके, 7,000 स्टेप करना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट होता है। अगर आपको ये पता है कि अगर मेरा वेस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया तो ये एक घातक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जो कि बहुत कुछ चीज कर सकता है, तो आप समझ जाओगे कि यार मैं क्यों बेकार में इस चक्कर में पड़ूं, मैं चलना ही तो है, मैं चल लूंगा। बिल्कुल सही अब कहा इसके आपने। साथ सुशीला जी ये होता है कि कई बार एक्चुअली लोग बहुत बिजी होते हैं। तो अभी जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक काफी अच्छा रिसर्च पेपर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल एक्चुअली इनके पास टाइम नहीं है। तो उन उन लोगों को हम कहते हैं वीकेंड वॉरियर्स, कि वो 2.5 घंटे की एक्सरसाइज सैटरडे संडे करेंगे और उनका जो लॉन्जिविटी है, उनकी जो हेल्थ है, वो उतनी अच्छी है जो लोग 7 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनको कहते हैं वीकेंड वॉरियर्स। तो मैं पहले इसको मजाक समझा करता था, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं लोग, लेकिन जब मैंने वो स्टडी पढ़ी तो ये क्लियर हो गया। और वाकई में यू आर राइट, कई लोग कहते हैं कि सर मुझे, मैं एक्चुअली 1 घंटे तो मुझे ड्राइव ही करना पड़ता है, तो मैं कहाँ से 1 घंटा निकालू? फाइन, लेकिन कभी तो आपको टाइम मिलता ही होगा, शनिवार से लेकर इतवार तक कहीं मिलता होगा, उस समय आप कर सकते हैं, आप वीकेंड पे काम कर सकते। तो क्योंकि अर्ली डिटेक्शन में एक बड़ी की चीज है फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड डाइट। ऑफ कोर्स स्मोकिंग तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो आपको वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन बात कही सर आपने, और ये तो एक नई बात है सबके भी सीखने के लिए है कि अगर आपके पास वीकडे में काम नहीं है, टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं वीकेंड पे। हमारे एक लिस्टर का भी सवाल भी आया था कि मैं स्लीप डेप्रिवेशन को कैसे ठीक करूं, तो उनके लिए भी मैं यही कहूंगी कि वो भी आप अपना स्लीप डेफिसिट कैरी करते हो 1 सप्ताह तक, तो अगर आपने सप्ताह में वो पूरा स्लीप डेफिसिट पूरा कर लिया, अपना एक्सरसाइज डेफिसिट पूरा कर लिया, तो भी आपको उतने ही फायदे मिलेंगे। तो चाहे आप लगातार एक्सरसाइज करो वीकेंड पे, या आप छोटे छोटे बाउट्स में दिन में 3 या 4 बार एक्सरसाइज करो, या आप 1 घंटे की लगातार एक्सरसाइज करो, आप कुछ तो करो। दूसरा ये है कि एक्सरसाइज, आपको लगता है कि एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, आप एक्सरसाइज करके देखिए आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपके 24 घंटे में से 1 घंटा वैसे ही निकल आएगा, जो काम आप 6 घंटे में पूरा कर रहे हैं वो आप 5 घंटे में अच्छे से पूरा कर पाएंगे, और उसके साथ साथ आपके पास 5-7 मिनट गपशप लगाने के भी हो जाएंगे। एक्सरसाइज इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, सारे सक्सेसफुल लोगों की अच्छी सेहत का राज यही होता है, और डॉक्टर कासलीवाल का भी। सो नो योर डॉक्टर्स हेल्थ के बारे में मैं सर से कुछ सवाल और पूछूंगी, पर उससे पहले हमारे पास एक सवाल आया है जिन्होंने पूछा है कि क्या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए दवाइयां हमको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं? तो इनका ये सवाल है, ये विकास का सवाल है, इन्होंने दवाई और डिजीज का एक्सटेंट नहीं बताया है कि किस हद तक है, बट इफ अ पर्सन इज टेकिंग मेडिसिन फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज फॉर लॉन्ग टाइम, तो क्या ये लॉन्ग टाइम जरूरी है? क्या कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें इंसान ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है? हाँ, अगर एंजियोप्लास्टी हुई है या बायपास हुई है या हार्ट अटैक पहले हुआ है, तो मान के चलिए 3 या 4 दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलेंगी। वो इसलिए सो दैट आपके स्टेंट पेटेंट रहें, आपके ग्राफ्ट पेटेंट रहें। ये तो बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है, क्या मुझे लाइफ भर लेनी है? जी हाँ, बिल्कुल लाइफ भर लेनी है। और आजकल ड्रग कॉम्बिनेशन इंडिया की, तो आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है, इस तरह बनाती है कि आप एक दवाई सुबह, एक एक टेबलेट सुबह लीजिए जिसके अंदर शायद 2 दवाइयां होंगी, और एक रात को लीजिए जिसमें भी 2 दो, तो मतलब आपको अच्छे 12 घंटे मिल रहे हैं काम करने के लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, रेजिस्टेंस इसमें नहीं आती सर, रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक से और कई और चीजों से आती है, वो डॉक्टर कटारिया उसकी चीफ है, वो बताएंगे। लेकिन ये दवाइयाँ क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये ब्लड को, एंटीप्लेटलेट्स ब्लड को पतला रखते हैं और आपको आगे के अटैक नहीं होने देते हैं। स्टैटिन दवाइयाँ ऐसी हैं कि आपकी एक धमनी 90% 100% ब्लॉक थी, उसकी हमने एंजियोप्लास्टी कर दी, आप एक्यूट हार्ट अटैक के साथ आए, लेकिन जो 2 धमनियाँ और जो हैं
वो 50 और 60% है। तो अगर हम बीच में दवाई बंद कर देंगे तो वो उससे हमें हार्ट अटैक होने का मैनेस है, तो हमने उसको भी उसके लिए वो भी दवाई हम दे रहे हैं जो कि आपको प्रिवेंशन भी करेंगे। और जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स की बात डॉक्टर सुशीला ने पूछी थी, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स बिना हार्ट अटैक के, बिना एंजियोप्लास्टी के, उनको भी मिनिमल दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेनी है, क्योंकि आपकी जीन्स को नहीं चेंज कर सकते आप, आपकी लाइफ हिस्ट्री को नहीं चेंज कर सकते, बाकी एनवायरमेंट इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। कि ओबिसिटी थी जी मैंने कंट्रोल कर ली, मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो मैंने कर लिया, मैं हाई फैट सैचुरेट फैट्स मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए मैं मिनिमल मेडिकेशन ज़रूर लाइफ लॉन्ग लूंगा, और हर साल जाके देख लूंगा अभी क्या इस फील्ड में नया डेवलपमेंट है, क्या मेरा कोलेस्ट्रॉल, अब देखिए फॉरेन कंट्रीज में इतना नहीं है, लेकिन अपने यहाँ तो लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया साफ कहता है कि भाई 100 के ऊपर बैड कोलेस्ट्रॉल इज हाई कंसिडर्ड हाई, तो आपको तो उसके नीचे नीचे रखना, और अगर आप मरीज हैं तो आपको लाना है उसको 40 के ऊपर, और रखना है 40 पे, फिर एक लेगेसी इफेक्ट होता है 10 साल बाद कि वो नीचे ही रहता है। तो बिल्कुल, बहुत सवाल सही बड़ा बात कही सर ने कि कॉम्प्लिकेटेड है। कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने दवाई ली, अगली रिपोर्ट करवा ली, वो नॉर्मल आ गई, वो छोड़ दीजिए, तो वो छोड़ना नहीं है। इसके लिए मैं कॉमनेस्ट एग्जांपल ये देती हूँ कि अभी मुझे देखने के लिए चश्मा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मैंने इसको देखा, मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं मेरा चश्मा उतर जाएगा, इसका मतलब ये है कि मेरा नंबर ठीक है, यही लगाते रहना पड़ेगा। बिल्कुल पुनीत फिर पूछ रहे हैं कि आप हार्ट अटैक से बचाने के लिए एक्टिविटी बहुत जरूरी है। यस, एक्टिविटी बहुत जरूरी है, डॉक्टर कासलीवाल ने भी कहा, हार्ट अटैक से बचाने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको डिप्रेशन से दूर रखने के लिए, आई थिंक फिजिकल एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जी, अमित पूछ रहे थे स्लीप डेप्रिवेशन का, तो आपकी अगर हफ्ते भर की स्लीप डेप्रिवेटेड है तो आप उसको वीकेंड पे कंपनसेट कर सकते हैं। आपके हफ्ते भर की अगर एक्सरसाइज डेप्रिवेशन है तो आप उसको वीकेंड पे पूरा कर सकते हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। तो अब ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल तो निकालना पड़ता है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। रवि पूछ रहे हैं सर, हाउ टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। सो आई थिंक जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर में एक इम्पोर्टेंट हाई बीपी का भी फैक्टर है। ठीक कह रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर शायद नंबर वन फैक्टर आता है, स्मोकिंग और हाइपरटेंशन और डायबिटीज हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर आप अपने डॉक्टर साहब से मिलिए, पूरा इसको इवेल्युएट करिए, और ये भी अगेन वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शायद दवाई काफ़ी लॉन्ग टर्म लेनी पड़ेगी, लेकिन पूरी दवाई लीजिए, इसको छोड़िए मत, क्योंकि जिस दिन आप छोड़ते हैं दवाई तो रिबाउंड हाई ब्लड प्रेशर होता है, और वो आपको काफ़ी दिक्कत दे सकता था। मैं एक ही शब्द इसमें ऐड करूंगा कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के और भी कई फायदे हैं, हार्ट अटैक ही नहीं, ये ब्रेन स्ट्रोक से भी बचा रही है आपको, ये किडनी डैमेज से भी बचा रही है, मतलब ये तो तीन बड़ी चीज़ें हैं। बाकी माइक्रो लेवल पे आइज को लेके, कैटरेट को लेके, वेस्कुलर डिजीज को लेके, हाइपरटेंशन आपको की दवाइयाँ और हाइपरटेंशन कंट्रोल जो कि आप अपने अपने दवाइयों से, अपनी लाइफस्टाइल से किया है, ये आपको जाने किन किन चीज़ों से बचा रही है। सो प्लीज़ इसमें तो सोचना ही नहीं है, और आजकल नए पैरामीटर्स बिल्कुल क्लियर कट हैं कि आपका हाई ब्लड, आपका प्रेशर घर के ऊपर, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग HMB BP इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर वो 130 और 130 के नीचे रहता है तो आपने बाजी जीत ली, प्लीज कंटिन्यू द मेडिकेशन। जैसा डॉक्टर सुशीला ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई मैं चश्मा उतार दी हूँ क्योंकि मेरे को ठीक, तो जब जब उतार लूंगी मैं चश्मा तो फिर तो नहीं दिखेगा ना, उसी तरह जहां आपने दवाई बंद की ये ब्लड प्रेशर आपका फिर शूट करेगा। आप सोचिए एक जिंदगी जहां पे आपकी किडनी डैमेज हो जाए, आपके स्ट्रोक हो जाए, हृदयाघात हो जाए, जबकि आपको सिर्फ एक दवाई सुबह शाम लेनी थी और लो सॉल्ट डाइट और कुछ भी नहीं। कई बार लोग ये कहते हैं कि जी हमारी तो उम्र बहुत कम है इसलिए हम अभी से दवाई लेने लग जाएंगे, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? मेरा उनके लिए यही कहना है कि कम उम्र से चालू करोगे तभी तो ओल्ड एज तक पहुंच पाओगे भाई, बिना डिजीज के, ठीक है ना। और हो सकता है क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, नई दवाइयां आती हैं, देने क्या होता है, लेकिन आप यू शुड बी अवेलेबल एट दैट टाइम ना, तो जी ये बात है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी उम्र कम है तो आपकी लाइफ और भी बहुत ज्यादा प्रेशियस और है, भी और आपको हो बहुत जाए लंबा जीना है, इसलिए आप अपनी दवाइयां ठीक से लीजिए। ये
बीमारी एज के साथ बढ़ती जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि ये कम उम्र में नहीं हो सकती है। और हमेशा अपनी मेडिसिन को रेगुलरली लेना चाहिए। दवाइयां दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। और किसी को अगर लगता है कि दवाई से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई हर्ज नहीं है, आप जाकर अपने डॉक्टर के पास वापस जाकर बात करें। हो सकता है दवाई से रिलेटेड कोई भी साइड इफेक्ट है जिसको चेंज करके या कम करके ठीक किया जा सकता है। ठीक बात। ओके, सो अगला सवाल ये पूछते हैं कि क्या प्री डायबिटीज का ट्रीटमेंट भी जरूरी है हार्ट प्रॉब्लम के लिए? ये मोहन ने पूछा है सर। मोहन जी, प्री डायबिटीज का ट्रीटमेंट बिल्कुल जरूरी है और आप इसको गलत समझ रहे हैं। प्री डायबिटिक स्टेज एक इतनी अच्छी टर्म है कि इसके लिए आपको दवाई शायद ही कोई देगा, अनलेस कोई ओबेसिटी या और कोई कोमॉर्बिडिटी हो। अदरवाइज आपको ये कहा जाएगा कि सर ये डाइट और एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। ये प्री वर्ड ही बहुत बढ़िया यूज हुआ है कि राइट साइड पे नो डायबिटीज है, लेफ्ट साइड पे डायबिटीज है। आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी HbA1c आपने 6.4 के नीचे ले ली, आप बच गए। तो आप अपने खाने को एनालाइज करिए ना कि भाई मैं आलू है, व्हाइट ब्रेड है, स्वीट्स हैं, क्योंकि एक्चुअली वी आर ऑल्सो कंट्री जहाँ पे काफी त्योहार होते हैं, मिलन सारता होती है। तो आप अपने आप को थोड़ा उससे केयरफुल रखें। उनमें सब में फैट होता है, उनमें सब में ट्रांस फैट्स होते हैं और सब में शुगर होती है। तो प्री डायबिटीज है तो दिस इज द स्टेज। मैं कह रहा हूँ, मुझे एक अभी डेनमार्क से आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि जी ये जो मास्टर हेड चेकअप्स हैं ये यूजलेस हैं, इनमें पैसा खर्च मत करो। डेनमार्क से आया था कोई आर्टिकल, बड़े लोग कोट कर रहे थे। मैंने कहा उनको पता नहीं कि कितने लोगों का कोलेस्ट्रॉल, एनीमिया और प्री डायबिटीज तो एक ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट हुई है। जब डॉक्टर ने कहा भाई क्या कर रहे हो, 10 किलोग्राम वजन कम कर लोगे तो ये प्री डायबिटीज से आप नॉन डायबिटिक हो जाओगे। तो बहुत महत्व है इन चीजों का सर, बट दे शुड बी टेकन इन द राइट पर्सपेक्टिव कि रंजीत यार ने पूछा है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्री डायबिटीज? सिम्टम्स ही तो नहीं होते इसमें, यही तो खासियत है। जिस दिन सिम्टम हो जाएंगे तो उस दिन तो वो डायबिटीज हो जाएगी ना। फिर वो वैसे डायबिटीज में भी बहुत कम सिम्टम्स बहुत होते कम हैं, सिम्टम्स होते हैं। लेकिन प्री डायबिटीज में सर एक चेन्नई से एक स्टडी आई थी कि उसमें भी इंटरमीटियल थिकनेस बढ़ गई थी लोगों की। लोगों ने कहा सर हमारे तो कुछ भी नहीं, डायबिटिक भी नहीं हम तो। प्री डायबिटीज एक इतना सशक्त एक सिग्नल है कि भैया समझ जाओ यार। तो ये बात है। बिल्कुल। और हम एक एक डिजीज का प्रिवेंशन पकड़ ले, मुझे लगता है एक गुथी हुई पहेली सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। प्री डायबिटीज, बिल्कुल हाइपरटेंशन, फिर फैटी लीवर, इनमें से आप एक का ट्रीटमेंट करिए, सब कुछ बिल्कुल लाइफस्टाइल बिल्कुल के थ्रू ही होता है, तो सारी चीजें फॉल इन प्लेस वाली सिस्टम हो जाती है। बिल्कुल। नहीं, आपने ये फैटी लिवर वाली बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि वो बेचारे अल्ट्रासाउंड वाले बिल्कुल लिखते हैं फैटी लिवर ग्रेड 2, वो लोग कहते हैं अरे ये कुछ नहीं है। लेकिन जब उनके फर्दर टेस्टिंग करते हैं और वो भी सारी नॉन इन्वेजिव है तो पता पड़ता है कि लिवर तो आपका फाइब्रोज होता जा रहा है और इसको भी आप डाइट और एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो। तो देखिए बातों ही बातों में ऐसी 4-5 कंडीशंस आ गई जो कि विदाउट मेडिकेशन जस्ट बाय अर्ली डिटेक्शन यू कैन प्रेडिक्ट कि यू विल नॉट हैव द डिजीज। तो हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए सिंपलीफाइड फॉर्म में सर, अगर आप बताएं कि अगर कोई इंसान 40 साल से कम का है विदाउट दोज टिपिकल 9 रिस्क फैक्टर्स, तो उसे कैसे प्रिवेंटिव चेकअप या अर्ली डिटेक्शन के लिए देखना चाहिए, या किसी को हाई रिस्क फैक्टर्स हैं एक या एक से ज्यादा, तो उनको किस तरह से अपने रूटीन चेकअप करना चाहिए और क्या क्या चीजें उनको मिनिमली सबसे जरूरी है जो करवानी ही चाहिए हर साल? जी, नहीं ये भी बहुत अच्छा है कि बिकॉज एज रिलेटेड भी ये चीजें होती हैं। लेकिन सुशील जी, मेरा मानना ये है कि ये चालू होना चाहिए 25 फॉर मेन, 30 ईयर्स फॉर फीमेल्स। क्योंकि पहले उसमें आपको प्री डायबिटीज और ओबेसिटी, वेस्ट हिप रेशियो, ये तो मालूम पड़ जाएगा ना आपको। सो आप उसी 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 समय से आप चालू कर दोगे। आप 40 तक तो हार्ट अटैक अपने देश में इतने कॉमन हो जाते हैं कि फिर ये सवाल उठेगा कि जी क्या आप सारे पेशेंट्स को कैल्शियम स्कोरिंग कराएंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर्स हैं और पर्टिकुलरली जो इंटरमीडिएट रिस्क में आते हैं, वो किसी भी के भी बच्चे नहीं होते, ना तो वो लो रिस्क में है ना वो हाई रिस्क में है, कोई बॉदर ही नहीं करता। एंड दे आर द पीपल हु हैव द मैक्सिमम डिजीज। वहां पे डॉक्टर का जजमेंट है कि भाई यू आर इन अ वेरी हाई स्ट्रेसफुल जॉब, यू आर अ पायलट, यू आर दिस एंड दैट, सो आई मस्ट गेट
दिस इन्वेस्टिगेशन डन और मालूम पड़ जाता है। लेकिन जो 40 इयर्स के कम के हैं उनको अपने रिस्क फैक्टर्स पूरे स्टडी करने चाहिए एंड लेट द डॉक्टर डिसाइड कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड टेस्टिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर टेस्ट शुड बी वंस एवरी ईयर और इट कैन बी वंस एवरी 3 इयर्स डिपेंडिंग अपॉन आपके क्या प्री डायबिटीज, प्री हाइपरटेंशन कुछ निकलता है कि नहीं निकलता, लेट हिम डिसाइड। लेकिन जो फोर्टी के ऊपर चले गए उनको एक दफा है और अगर एक या एक कोई रिस्क फैक्टर्स है उनको डेफिनेटली आगे इमेजिंग टेस्ट जरूर करने चाहिए। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा जीरो निकले, इससे अच्छी बात अब क्या हो सकती है, इसका मतलब दे आर डूइंग द राइट थिंग्स, देन दे नीड नॉट सी द डॉक्टर फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सर अब कुछ चीजें तो ये हैं, आजकल कोविड के बाद पॉइंट ऑफ टेस्टिंग के बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ब्लड प्रेशर टेस्ट की मशीन मोस्टली लोगों के पास घर पर है, शुगर टेस्टिंग की भी मशीन है, वेइंग मशीन भी है। सो मुझे लगता है सब लोग अपना ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, वेट, हाइट, शुगर टेस्टिंग ये तो टाइम टू टाइम अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट आता है सर बीएमआई का, चलो तो बीएमआई का खेल खेलते हैं, आपका बीएमआई कितना होगा? ओके सर, आपकी हाइट 5 feet 8.5 inches, 8.5 inches एंड वेट 69 kilograms 69 kgs। सो डॉक्टर कासलीवाल का बीएमआई आता है 22, बिंगो, एंड दैट्स एक्चुअली एब्सोल्युटली ग्रीन। तो आज जिन जिन ने अपना आज हमें सुन रहे हैं सब लोग जाके आप इंटरनेट पे गूगल पर जाके बीएमआई कैलकुलेटर में डाल के अपनी हाइट और वेट अपना बीएमआई देखिएगा और देखिए कि आप ओवरवेट में या ओबेसिटी कैटेगरी में या अंडरवेट में तो नहीं आ रहे, क्योंकि एक जो बीएमआई है वो भी आपको बहुत सारी डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करता है। सो इंडियन कंटेक्स्ट में सर हम किसको नॉर्मल बीएमआई मानेंगे और क्या ओवरवेट या ओबेसिटी रहेगी और व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीपल? हाँ नहीं, एशियंस की के लिए डिफरेंट है, जैसे आप बता रहे हैं तो हमारे तो ओवरवेट तो चालू हो जाता है 25 से और 30 के ऊपर ओबेसिटी है, जिसमें मॉर्बिड ओबेसिटी 40 के ऊपर होती है। बिल्कुल। लेकिन सुशील जी, इसके साथ साथ वेस्ट सर्कमफेरेंस लेस देन 80 सेंटीमीटर इन वेमेन, लेस देन 90 सेंटीमीटर इन मेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए वेस्ट शिप रेशियो ना भी लें पर सिंपली एक वेस्ट सर्कमफेरेंस भी अगर अपन लेते हैं, क्योंकि ये बेली फैट होता है और ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कर सकता है और आगे प्री डायबिटीज कर रहा है तो डायबिटीज भी कर सकता है एक दिन। तो ये ऐसी चीज इंपॉर्टेंट और ये तो बहुत ही आसान है, घर में वो जो इंच टेप होता है उसी से नापी जा सकती है। बिल्कुल, इंच टेप की जरूरत है बस, कुछ भी नहीं है। सो आदमियों में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और महिलाओं में 75 सेंटीमीटर। जी, और एक चीज और है रिमोट मॉनिटरिंग में जो आपने बोला कि हमारे पास एक अलाइव कोर चीज है जिसमें आप दो थम्स लगाएंगे तो ईसीजी हमारे पास, अगर आपको रात को 2 बजे लगा पैल्पिटेशन है कुछ हो रहा है तो डोंट वरी, that machine, that card, that professional station is in our heart command center. और जो भी ECG आएंगे immediately एक technician वहाँ बैठे होते हैं, वो हमारे doctor को दिखाएंगे और वो phone पे बात कर लेंगे कि सर आपको irregularly irregular pulse आ रही है, please come and get your treatment done. या आप सो जाइए, बिल्कुल normal sinus rhythm है, आप चिंतित हो रहे हैं। तो assurance भी एक बड़ी चीज़ है, हर समय हमें disease की बात नहीं करनी चाहिए, हमें wellness और assurance की भी बात करनी चाहिए। हम लोगों का ये भी एक बड़ा दायित्व है और हम करते भी हैं, लोगों को अश्योर भी करना कि भाई सब ठीक है। वाओ, दैट्स लवली। सो सर ने जो कहा है वो अलाइव कार्डिया करके एक इतना छोटा सा आपके पेन जितना वेट होता है उसका एक चपटा सा, इतना जैसे हम छोटा जैसे फोन का रिमोट कंट्रोल होता है उतना ही एक डिवाइस है जो आपकी ईसीजी निकाल सकता है विद इन 30 सेकेंड्स। और इससे बहुत सारे जो सडन इवेंट्स होते हैं जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट होना, स्लो हार्ट होना, फास्ट हार्ट बीट होना, इन सब का आप पता कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मेदांता मेडिसिटी सर की गाइडेंस में वो मॉनिटर कर रहे हैं और इससे कोई भी सडन इवेंट डिटेक्ट किया जा सकता है, वेरी मच डुएबल। किसने सोचा था कि आप ECG खुद से कर पाएंगे विद इन 30 सेकेंड्स? गरिमा पूछ रही है सर व्हाई नाउ डेज पीपल आर प्रोन टू हार्ट अटैक्स एज वी कैन सी इन द न्यूज लाइक अ टीवी एक्टर और डांसर और कॉमेडियन, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इसी चीज की तो हम चर्चा कर रहे थे देर से कि
जो वेल नोन फिगर्स हैं उनकी बात मीडिया पिकअप कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि 15 से 20 से 25% हार्ट अटैक्स बिलो एज 40 हो रहे हैं। सोचिए हमारे जो कॉलिग्स हैं अब्रॉड वो कहते हैं भाई कैसे क्या हो रहा है आपके देश में, मतलब आप इतने यंग एज पे एंजियोप्लास्टी कर देते हो। तो ये एक दुख की बात तो है ही है, लेकिन ये एक सोचने की भी बात है कि आप देखिए जब कोविड आया तो हम लोग कैसे हर चीज के बारे में पढ़ने लग गए, हम सशक्त हो गए। तो इसी इसी चीज को इस चीज को भी हमें अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में लाना है कि जिसमें हम सारी चीजें जो हमने बोली एक इनबॉर्न हो जाए, कहीं भी 55-60 के नीचे हार्ट अटैक बहुत कम देशों में होता है, कई देशों में तो 60 के ऊपर ही होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने कॉमन है। तो जो इन्होंने पूछा सवाल ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो टीवी पे आता है, पर टीवी में ये तो नहीं आ रहा ना कि भाई ये कॉमन डिजीज है, वो अब ना तो वो एबनॉर्मल थे और ना कुछ, लेकिन आप उसको उजागर ही नहीं करते हो। और आपने जब उजागर किया तो पता पड़ा कि भाई मेरे पास मेरे भी 3 रिस्क फैक्टर थे, मैं अब तक क्यों सो रहा था, मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ अपने बारे में। तो ये सवाल उस सेंस में इम्पोर्टेंट है कि ये, और मैं तो मान रहा हूं कि आज डॉक्टर सुशीला कटारिया के माध्यम से और इन बहुत ही चुनिंदा वेल डिफाइंड क्वेश्चन से अगर ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचता है तो नेचुरली लोग बचेंगे ना। डिटेक्शन, प्रिडिक्शन एंड अर्ली डिटेक्शन, डिटेक्शन और प्रिवेंशन, यही तो चीज है कि यार मुझे और कुछ ना करना पड़े, मैं लाइफ अपनी पूरी लीड करूं, बच्चों को संभालूं, वाइफ को टेक ओवर करूं, जॉब करूं, मैं सोशल लैडर में ऊपर जाऊं और मेरे को डिजीज भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज आवर मैसेज। एब्सोल्युटली सर, तो जो हमें सर ने ये कहा है कि एक तो ये अनकॉमन नहीं है, सिर्फ वेल नोन फिगर्स ही नहीं, आम जनता में भी हर 5वां हार्ट अटैक 40 साल से कम उम्र के लोगों को हो रहा है अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, और उसका कारण है शायद बहुत स्ट्रेस भरी जिंदगी, खराब लाइफस्टाइल, खराब खाना, एक्सरसाइज ना करना, जरूरत से ज्यादा सोचना और जरूरत से कम सोना। सो आज थोड़ा बैठ के सोचिए, हार्ट डिजीज अचानक नहीं हो रही है, वो धीरे धीरे हो रही है, वो प्रेजेंट अचानक कर रही है, लेकिन उसके बीज तो बहुत पहले बोए जा चुके हैं। जी सर ये योगेश चौधरी पूछ रहे हैं, कैन वी इलेबोरेट ऑन दी पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस, इसके बारे में हम थोड़ा और बताएंगे लोगों को हाँ जी राइट बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक डिवाइस है जिसके अंदर पैर पे आप रखेंगे तो 6 लीड ECG आ जाता है, और फिर वो ECG आपके, हमें एक आपको ऐप दे देते हैं उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर आप एक स्विच दबाएंगे तो हमारे कार्डिया स्टेशन पे आ जाएगा और वहां पे हमारे टेक्नीशियन उसको डाउनलोड कर लेंगे, या आप अकेले खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको इंटरप्रेट कौन करके देगा, वहां पे इंटरप्रिटेशन और फोन कॉल हमारा बंदा करेगा। वो कहेगा कि सर आइदर यू आर ओके एंड स्लीप और यू आर नॉट ओके एंड कम, और दे विल से सर डोंट वरी राइट नाउ इट्स फाइन, आप कल आइए। ये 3 सिनारियो उससे मिलते हैं। तो ये एक इंटरनेट बेस्ड डिवाइस है और अमेरिका की FDA एक एक गोल्ड स्टैंडर्ड है कि भाई उसने अप्रूवल है, उसका अप्रूवल भी है इसके साथ। और ये हम उन लोगों को देते हैं जो कि कहते हैं जी दिल की धड़कन कभी होती है, होल्टर मॉनिटर इतनी बार लगा दिए कुछ पता नहीं पड़ा। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं रात को चक्कर आ जाते हैं, तो उसने कहा भाई आप उस समय लगा के हमें बताइए क्या रिदम आती है। और कईयों को जिनके इरेगुलर हार्ट बीट होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज होता है क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक का, ये उनको भी उजागर कर देता है, तो उनको प्रॉपर दवाएं मिलके स्ट्रोक। तो ये सारी चीजें प्रिवेंटिव गैमट है सर, दिस इज ऑल इन द स्फीयर ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, उसमें अलाइव कोर भी आता है। आप गूगल करके देखिए, यू विल नो अलाइव कोर कितना सिंपल है, और लेकिन जो इंफॉर्मेशन आप ड्राइव कर रहे हो वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और कोविड टाइम का सब मुझे लगता है कि जो सिल्वर लाइनिंग इस सारे काले बादल की रही वो ये रही कि हम रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग को एक ऑफिशियल दर्जा मिल गया है, टेली कंसल्टेशन को भी मिल गया है। सो आज पहले आपने कब सोचा था कि आप अपने बेडरूम से देश में विदेश में किसी भी डॉक्टर से कंसल्टेशन ले पाएंगे,
अब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जिनके लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ता था वो जरूरत नहीं रही है। मेडिकल साइंस की खूबसूरती यही है कि अपने आप को हर दिन बेहतर कर रही है, इवॉल्व कर रही है, ताकि पेशेंट्स सेफ रहें और हेल्दी रहें और उनकी प्रोडक्टिविटी पहले से भी बेहतर रहे। सवाल हमारे पास आते जा रहे हैं लेकिन समय की सीमा है, 5 मिनट आखिरी बचे हैं, मैं आखिरी 2 सवाल लूंगी सर। उसमें एक तो हमारा हिमांशु ने पूछा है कि उनको एंग्जाइटी होती है जी, कभी कभी चेस्ट में चुभन वाला दर्द होता है, तो क्या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? जी एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से जरूर हो सकती है, लेकिन जो आप चुभन की बात कर रहे हैं, चुभन तो मैं नहीं मानता कि कोई हार्ट का हो, लेकिन इनकी एज क्या बताई डॉक्टर? इन्होंने ये एज नहीं लिखी सर, हिमांशु ने अच्छा अपनी एज नहीं लिखी है। हिमांशु अगर आप अभी ऑनलाइन हैं तो प्लीज अपनी एज के बारे में बताइए, और कोई रिस्क फैक्टर, जो नो रिस्क फैक्टर्स डॉक्टर कासलीवाल ने बताए थे उनमें से कोई है तो यू नीड टू बी इवेलुएटेड। और रिस्क फैक्टर्स को आपके लिए, सबके लिए मैं फिर दोहराती हूँ कि हार्ट डिजीज के 9 रिस्क फैक्टर हैं, हाई ब्लड प्रेशर का होना, प्री डायबिटीज या डायबिटीज का होना, हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, स्मोकिंग की हैबिट होना, ज्यादा उम्र होना, फैमिली हिस्ट्री में हार्ट प्रॉब्लम स्पेशली 55 साल की उम्र से कम होना, मानसिक तनाव में रहना या कुंठित रहना, वेट ज्यादा होना या एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स के अगर हम गिल्टी हैं आप में से, मुझ में से कोई भी, तो आज ही प्रण कर लें, एक एक को सबको दूर कर देंगे। सर मौसम बदल रहा है और हमारे एक लिसनर पूछ रहे हैं कि सर्दी के मौसम में वो और क्या सावधानी रखें, वो हार्ट पेशेंट्स हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, आप उनको क्या सलाह देंगे कि और वो क्या सावधानी रखें कि वो स्वस्थ रह सकते हैं? पहली बात तो ये कि जो ये इन्फ्लू वैक्सीन आता है इन्फ्लुएंजा के लिए, जिसमें कई कई सारे वायरसेस के अगेंस्ट है, वो तो हर साल इसी सीजन में लगवाते हैं, सितंबर अक्टूबर में बिल्कुल लगवाएं, और सशक्त वैक्सीन है ये। और एक आता है वैक्सीन जो निमोनिया के लिए होता है, वो तो हम सबको बताते हैं, क्योंकि निमोनिया एक हार्ट डिजीज के पेशेंट को बहुत ही बैडली अफेक्ट करता है, सभी के लिए बुरा है, लेकिन ये दो चीजें तो बिल्कुल जरूरी हैं। जो निमोनिया वाला वैक्सीन है वो तो हर 5 साल में एक बार लगता है, और जो ये इन्फ्लुएंजा का है वो हर साल, क्योंकि इनके बदलते रहते हैं रूप और स्वरूप बदलते रहते हैं वायरसेस के, तो ये आप हर साल लगाएंगे, और ये यही समय है सर, भले आपके हार्ट डिजीज हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोर सो अगर हार्ट डिजीज रही है या एंजियोप्ला, तो उस समय आप जरूर ये तो जरूर लगवाएं। और घर वालों को भी कहें कि भाई, नहीं तो एलर्जीज बहुत कॉमन हो जाती हैं, वीकनेसेस होती हैं, फीवर्स होते हैं, इससे तो बचें कम से कम। जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड नॉलेज इज एम्पावरिंग, आज डॉक्टर कासलीवाल सर ने अब हम सबको एम्पावर किया है रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट डिजीज, ताकि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपके साथ बात करके बहुत बहुत मजा आया, आप इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। कल मैं फिर मिलूंगी एक और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के साथ, कल हम जुड़ेंगे डॉक्टर नरेश त्रेहन के साथ वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।